गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोल माइनर में। मैं हूं आपका अपना भानु रोहन। तो देर न करते हुए आइए कुछ नया सीखते हैं। जय हिंद। आज मैं कोल माइन रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाले फॉर्म के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब कोल माइन रेगुलेशन बना तब उसके साथ फॉर्म नहीं दिया गया था। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन ने अलग से सर्कुलर के द्वारा फॉर्म को पब्लिश किया। आप लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा, बताया गया है कि स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कोई सभी फॉर्म के बारे में। तो आज हम उस फॉर्म के बारे में बताएंगे। रेगुलेशन के अंतर्गत टोटल 16 फॉर्म दिया गया है और उसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म 1 में 4 फॉर्म है, उसके बाद फॉर्म 2 में 5 फॉर्म है, फिर फॉर्म 3 में 1 है और फॉर्म 4 में 3 है, फॉर्म 5, 6, 7 1 है। ये याद करने के लिए ट्रिक है। आप लोग अपने दिमाग में बना के रखिए कि फॉर्म 1 4 प्रकार के हैं, फॉर्म 2 5 प्रकार से हैं, फॉर्म 3 फॉर्म अकेला है सिंगल है, फॉर्म 4 3 प्रकार से है, फॉर्म 5, 6, 7 सिंगल है। इससे आप लोग को एक क्रम में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म 1A नोटिस ऑफ ओपनिंग, माइन को खोलने का नोटिस। फिर उसके बाद आता है फॉर्म 1B नोटिस ऑफ रीओपनिंग, किसी खान को पुनः खोलने का नोटिस। फॉर्म 1C नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडमेंट, अगर हम खान को बंद करते हैं तो उसका नोटिस। फॉर्म 1D नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस, अगर हम कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं तो उसका। अब आते हैं फॉर्म 2। फॉर्म 2A नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, अगर किसी माइंस का नाम चेंज करते हैं तो जो नोटिस दिया जाता है। फॉर्म 2B नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ माइन, किसी माइन का ओनरशिप बदलता है तो उसके लिए जो नोटिस दिया जाता है। फॉर्म 2C नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ ओनर एजेंट और मैनेजर, किसी भी ओनर एजेंट या मैनेजर का जब ऑफिशियल एड्रेस चेंज होता है तो उसका नोटिस दिया जाता है इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म 2D नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ETC, यहाँ किसी भी मैनेजर या एजेंट की नियुक्ति होती है उसका नोटिस दिया जाता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा लगा है। इसका मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट संबंधी नोटिस हैं वो DGMS को फॉर्म 2D के अंतर्गत भेजा जाता है। मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था किसी एग्ज़ाम में, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट इंजीनियर या नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट सर्वेयर किस फॉर्म के अंतर्गत भेजा जाता है, तो फॉर्म 2D इसका आंसर आएगा। इस तरह से कभी भी घुमा के जब पूछता है तो अपॉइंटमेंट के लिए है वो 2D के अंतर्गत आएगा। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर ETC, किसी भी मैनेजर एजेंट को जब माइन से हटाया जाता है या तब 2E के अंतर्गत उसका नोटिस दिया जाता है। फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न, फॉर्म 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजर ऑक्यूरेंस, फॉर्म 4B पर्टिकुलर्स डिजीज इंजर्ड पर्सन, फॉर्म 4C पर्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, फॉर्म 5 नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज। आप लोग को पता ही होगा नोटिफाइड डिजीज के बारे में, अगर नहीं पता हो तो मैं एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग को बता दूंगा। फॉर्म 6 पॉइंटिंग आउट कंट्रोवर्शन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जब DGMS किसी भी माइंस में निरीक्षण करने आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का वायलेशन प्राप्त होता है उसको वो फॉर्म 6 में नोट करते हैं। फॉर्म
7 मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, एक क्रम में याद करना है। तो चलिए लास्ट में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति का नोटिस किस फॉर्म के द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन है फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C, फॉर्म 2D या फॉर्म 2E। आप लोग कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।